अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश बाय आरएच नेटवर्क। सो गाइज, ये है रियल हिस्ट्री ऑफ ओमर अल मुख्तार द लायन ऑफ डेजर्ट। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है सच बताओ तो। आरएच नेटवर्क की तरफ से हमने उनका चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, तो वहाँ से हमें ये वीडियो देखा तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में कुछ पता है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। एंड तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी इतिहास के उस बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसको अफ्रीका के मशहूर देश यानी लीबिया में तो एक नेशनल हीरो के तौर पर देखा ही जाता है, बल्कि साथ ही साथ दुनिया के दूसरे अलग अलग देशों में भी इस इंसान की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं और आज भी इस बहादुर इंसान को बहादुरी के सिंबल के तौर पर याद किया जाता है। ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर था कि अपने तो अपने दुश्मन भी इसकी काबिलियत को देखकर इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे और इसकी काबिलियत और बहादुरी का ही नतीजा था कि इसको इतिहास में द लायन ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का शेर का लकब दिया गया है और आज भी लोग इसको रेगिस्तान के शेर के नाम से ही याद करते हैं। आपको बताते चलें कि इतिहास का ये बहादुर योद्धा कोई और नहीं बल्कि लीबिया के मशहूर फ्रीडम फाइटर उमर अल मुख्तार थे कि जिन्होंने लगातार 20 सालों तक इटली की फौज से जंग की थी। उमर मुख्तार की शोहरत और काबिलियत का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड ने इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी जिसमें इनकी पूरी कहानी को दिखाया गया है। इसके अलावा लीबिया के मशहूर डिक्टेटर यानी कर्नल गद्दाफी के जिन्होंने एक लंबे वक्त तक लीबिया पर राज किया था, वो भी उमर मुख्तार से ही इंस्पायर थे और वक्त वक्त पर इस बात का जिक्र करते रहते थे कि उनके सबसे बड़े हीरो उमर मुख्तार हैं। साथ ही साथ कर्नल गद्दाफी की ड्रेस पर कई बार उमर अल मुख्तार की फोटो को भी देखा गया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर उमर मुख्तार थे कौन और इन्होंने अपनी जिंदगी में वो कौन से काम कर दिए थे कि जिसकी वजह से आज तक ये न सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हैं बल्कि बहादुरी के सिंबल के तौर पर भी याद किए जाते हैं, और आखिर इनका वो कौन सा गुना था कि जिसकी वजह से लगभग 73 साल की एक बड़ी उम्र में सरेआम यानी लोगों के सामने इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीजें जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में बने रहिए। उमर मुख्तार की पैदाइश 20 अगस्त 1858 को लीबिया के एक ऐसे घराने में हुई थी कि जो बहुत ज्यादा गरीब था और बहुत कम उम्र में ही उमर मुख्तार के सर से अपने वालिद यानी फादर का साया भी उठ गया था। उमर मुख्तार ने अपनी शुरू की पढ़ाई अपने इलाके की ही एक मस्जिद में की थी और इस तरह से अब उमर मुख्तार न सिर्फ कुरान के मुकम्मल हाफिज बन गए थे बल्कि साथ ही साथ बहुत बड़े आलिम दीन भी बन गए थे और इनके इलाके में इनको एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, ये वो दौर था कि जब लीबिया सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था और उस वक्त तक सल्तनत उस्मानिया भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार 1911 में इटली की फौजों ने सल्तनत उस्मानिया के इस इलाके यानी लीबिया पर हमला कर दिया ताकि वो उस्मानियों से लीबिया के इस इलाके को छीनकर अपने अंडर में ले सकें। सल्तनत उस्मानिया के लिए इटली की फौजों से मुकाबला करना एक नामुमकिन काम था क्योंकि लीबिया में सल्तनत उस्मानिया बहुत ज्यादा कमजोर थी और पास ही में मौजूद पड़ोसी देश यानी मिस्र पर तो पहले से ही ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। अब जाहिर है, मिस्र के जरिए से लीबिया का जो रास्ता सल्तनत उस्मानिया की राजधानी यानी इस्तांबुल तक पहुंचता था वो भी बंद हो चुका था। इसीलिए अब इटली की समुद्री फौज के कमांडर ने ये ऐलान किया कि तुर्की की फौज और लीबिया के आम लोग फौरन हथियार डाल दें वरना उनके वो मशहूर और मेन शहर के जो समुद्री इलाके पर मौजूद हैं उन पर बमबारी की जाएगी। तुर्की की फौज और लीबिया के आम लोगों ने हथियार डालने से मना कर दिया जिसकी वजह से अब इटली की फौज ने लगातार 3 दिनों तक इन सारे शहरों पर बमबारी की और आखिरकार उस्मानी फौज को पीछे हटना पड़ा और इस तरह से अब इटली ने लीबिया के इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन लीबिया के आम लोग इटली के इस कब्जे को किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए अब उन्होंने इटली के खिलाफ बगावत कर दी और साथ ही साथ उसके खिलाफ जंग करने का भी ऐलान कर दिया। और इटली के खिलाफ इस आज़ादी की जंग में लीबिया वालों की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा सामने उभर कर आया था वो था उमर अल मुख्तार का, वही उमर अल मुख्तार के जो इससे पहले एक आम टीचर ही हुआ करते थे और लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताते रहते थे।
लीबिया के आम लोगों ने अब उमर अल मुख्तार की लीडरशिप में इटली से जंग करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जाहिर है लीबिया के आम लोग इटली की ताकतवर फौज के सामने बहुत कमजोर थे। इसीलिए अब उमर अल मुख्तार ने उसी चीज का इस्तेमाल किया कि जिसमें उमर अल मुख्तार को सबसे ज्यादा काबिल समझा जाता था, और वो था गोरिल्ला युद्ध। यानी उमर अल मुख्तार अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ छुप छुप कर घात लगाकर इटली की फौजों पर हमला किया करते थे, और हमला करने के बाद फौरन रेगिस्तान में कहीं गायब हो जाते थे। इटली की ताकतवर फौज लाख कोशिशों के बावजूद भी इन लोगों को नहीं ढूंढ पाती थी। लीबिया के ये आम लोग और उमर अल मुख्तार हमेशा मौका देखकर ही हमला किया करते थे। कभी इटली की किसी चौकी पर हमला करते तो कभी इटली की बड़ी फौज की किसी छोटी टुकड़ी को अकेला देखकर खत्म कर दिया करते थे, और कभी कभी इटली की बड़ी फौज की सप्लाई लाइन को काट दिया करते थे, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे इटली की फौज को उमर अल मुख्तार की काबिलियत का अंदाजा होना शुरू हो गया था। उमर मुख्तार ने 1911 से लेकर 1931 तक यानी लगातार 20 साल तक बिल्कुल इसी तरह से ही इटली के खिलाफ जंग जारी रखी, और इन 20 सालों में इटली की फौज को वो नुकसान पहुंचाया कि जिसका शायद इटली वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। इटली की फौज उमर मुख्तार से कितना ज्यादा परेशान हो गई थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन 20 सालों में कई बार उमर अल मुख्तार को खरीदने की कोशिश भी की गई थी। इसके अलावा एक बार तो इटली उमर मुख्तार से समझौता करने पर भी राजी हो गया था, और ये समझौता हुआ भी था, मगर बदकिस्मती से ये समझौता लंबे वक्त तक नहीं टिक सका था। उमर मुख्तार बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा होशियार भी थे, और इनकी ताकत का ही नतीजा था कि इटली की फौज ने अब उमर मुख्तार को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझना शुरू कर दिया था, और इटली के बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर्स ने उमर मुख्तार को रेगिस्तान का शेर भी कहना शुरू कर दिया था। आखिरकार उमर मुख्तार का ये शानदार सफर उस वक्त खत्म हुआ कि जब इटली की फौज एक जंग में जख्मी हालत में उमर मुख्तार को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इटली की फौज उमर मुख्तार को कुछ मुखबिरों की मदद से ही पकड़ने में कामयाब हो पाई थी, और ये वो मुखबिर थे कि जो लीबिया के ही रहने वाले थे, यानी इनको हम आसान लफ्जों में गद्दार कह सकते हैं। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद इटली की फौज अब उमर मुख्तार को अपने कमांडर के सामने ले गई। कमांडर ने जब उमर मुख्तार की बुजुर्गी और बुढ़ापे को देखा तो उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे खिलाफ कभी भी जंग नहीं करोगे, और लीबिया के दूसरे लोगों को भी इटली के खिलाफ जंग करने से रोकोगे। इस पर उमर मुख्तार ने ये जवाब दिया कि मैं तुम लोगों से उस वक्त तक जंग करता रहूंगा कि जब तक तुम लोगों को अपने देश से बाहर न निकाल दूं या फिर खुद शहीद न हो जाऊं। उसके बाद बूढ़े उमर मुख्तार को जंजीरों से जकड़ दिया गया और उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। उनके ऊपर जुल्म सितम करने वाले इटली के सिपाही बाद में ये बताते हैं कि जब कभी भी उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता था और उनकी जबान खुलवाने की कोशिश की जाती थी तो वो उस वक्त आंखों में आंखें डालकर कुरान करीम की तिलावत करते रहते थे। आखिरकार जब इटली की फौज उनका मुंह खुलवाने में कामयाब ना हो सकी तो उनके ऊपर एक ऐसी अदालत में मुकदमा चलाया गया कि जो अदालत इटली ने ही कायम की थी, और इस अदालत ने उमर मुख्तार को फांसी की सजा सुनाई, और आखिरकार 16 सितंबर 1931 को 73 साल की उम्र में इस बुजुर्ग इंसान को लोगों के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि अदालत की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि उमर मुख्तार को पूरी दुनिया के सामने फांसी दी जाए ताकि कोई भी इंसान और खास तौर से इनके खुद के फॉलोअर हम लोगों के खिलाफ जंग करने से बाज आ सकें। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आज के दौर में लीबिया देश के कुछ नोटों पर उमर मुख्तार की तस्वीर को भी लगाया गया है, क्योंकि जाहिर है वो लीबिया के नेशनल हीरो हैं। इसके अलावा हॉलीवुड इंडस्ट्री ने इनके ऊपर जो मूवी बनाई थी उसका नाम द लायन ऑफ डेजर्ट है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान का शेर। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें। रिएक्शन ऑन द लायन ऑफ डेजर्ट उमर अल मुख्तार, बहुत बेहतरीन वीडियो था। द सुपर हीरो ऑफ लीबिया एंड उन्होंने जैसे जंग की, हमें ये न्यू मालूमात मिली है, हमें पता नहीं था ये चीज़ के बारे में। आई होप आपको भी नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको हमारे ज़रिए पता चला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यही हमारा मकसद है कि आप सबको हम इन्फॉर्मेशन देते रहें। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले, शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।